किसी समय बाजून और झोरे नामक दो भाई थे। बाजून विवाहित था और एक दिन उसकी पत्नी बुखार के कारण बीमार हो गई। एक दिन बाजून खेत में जुताई करने के लिए जा रहा था, इसलिए बाजून ने झोरे से कहा कि वह घर में ही ठहरे और दोपहर के भोजन में नापना से नापकर तीन लोगों के लिए तीन नपना भात पकाकर रखे। झोरे घर में ही ठहर गया और एक बर्तन में पानी भर के उसे उबलने के लिए रख दिया। तब वह यह देखने के लिए गया कि घर में नापना कितना है। झोरे ने देखा कि घर में केवल एक ही नापना है, इसलिए झोरे ने सोचा कि मेरे भाई ने मुझे तीन लोगों के लिए नपना पकाने को कहा है। यदि मैं केवल एक आदमी के लिए पकाता हूँ तो मुझे परेशानी हो सकती है, इसलिए वह अपने पड़ोसी के घर से दो और नापना उधार ले लिया और उसे खौलते पानी के बर्तन में डाल दिया। बाजून जब दोपहर में खेत की जुताई करके घर लौटा तो देखा कि झोरे बर्तन में कुछ फेंट रहा है, तो उसने पूछा क्या भात तैयार है। झोरे ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बाजून ने करछुल अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे देखने दो कि यह तैयार है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह करछुल को बर्तन में हिलाया तो उसने खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने झांक कर देखा तो पाया कि बर्तन में भात नहीं था, केवल लकड़ी का तीन नपना तैर रहा था। उसने पीछे पलटकर झोरे को उसकी मूर्खता पर भला बुरा कहा। तब झोरे ने कहा, तुमने ही मुझे कहा था कि तीन नपना बनाना और मैंने वैसा ही किया है। अब बाजून को दोबारा सब कुछ ठीक करके अपना भात पकाना पड़ा और बाजून को उस दिन बहुत देर से भोजन मिला। अगले दिन बाजून ने झोरे से कहा, तुम खाना बनाना नहीं जानते हो, इसलिए आज मैं घर पर रहूंगा और तुम जुताई के लिए जाओ, कुल्हाड़ी अपने साथ लेते जाना। यदि जुताई करते समय हल को जड़ या अन्य कोई चीज पकड़ ले उसे कुल्हाड़ी से काट देना। झोरे हल जोतने के लिए चला गया और जब जुताई करते समय हल कहीं अटक गया तो वह अपने कुल्हाड़ी से बैलों के पैरों पर दे मारा। बैल दर्द से कराह उठे और गिर पड़े। कुल्हाड़ी के वार से दोनों बैल लंगड़े हो गए। दोपहर में बाजून ने देखा कि दोनों बैल लंगड़ाते हुए घर वापस आए हैं। तब उसने पूछा कि इनके साथ क्या हुआ। झोरे बोला, वो ऐसा इसलिए कि तुम्हारे कहने के अनुसार हल के अटकने पर मैंने उनको कुल्हाड़ी मार के। बाजून बोला, मूर्ख, मेरे कहने का मतलब यह था कि हल जोतते समय जब कोई पेड़ का जड़ हल को पकड़ ले तो कुल्हाड़ी से उसे काट डालना, बैलों के पैर को। इतने नासमझी से तुम कैसे रह पाओगे? तुम हल भी नहीं जोत सकते, तुमको घर पर ही रहकर भात पकाना चाहिए। मैं शाम को बताऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। उसके बाद झोरे घर पर रहकर खाना पकाया। बाजून की पत्नी अभी ठीक नहीं हुई थी। एक दिन बाजून खेत में जाने से पहले झोरे को बोला कि शायद उसकी पत्नी स्नान करना चाहेगी, इसलिए उसे गर्म पानी से नहला देना। स्नान कराने के लिए झोरे ने खौलता हुए पानी लेकर अपने भाभी, जो कि बीमारी के कारण अभी भी अपने बिस्तर पर लेटे हुई थी, के ऊपर पानी को डालने लगा। वह पानी से जलने लगी और चिल्लाते हुए बोली, मेरे ऊपर मत डालो। लेकिन झोरे हंसता रहा और पानी उड़ेलता रहा। गर्म पानी से जल जाने के कारण उसकी। तब वह उसे कपड़े में लपेट दिया और भोजन लाकर उसे खाने के लिए देने लगा। लेकिन वह इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब झोरे ने उसे वैसा ही छोड़कर अपना भात खा लिया। जब बाजून वापस आया और देखा कि उसकी पत्नी जलकर, यह देखकर वह काफी क्रोधित हो उठा और झोरे को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर आया। तब तक झोरे जंगल में भाग गया और बाजून भी कुल्हाड़ी लिए हुए उसके पीछे भगा। जंगल में झोरे को एक मरा हुआ भेड़ मिला। उसने मृत भेड़ से पेट को निकाल लिया और आवाज दिया, भाई तुम कहाँ हो, मुझे कुछ मांस मिला है। लेकिन बाजून ने उत्तर दिया, मैं जब तक तुम्हारी, तुमको नहीं छोड़ूंगा। तब झोरे भागकर पेड़ पर चढ़कर पेड़ के खोखला तने के अंदर छिप गया, जहां बाजून उसका पीछा नहीं कर सका। बाजून एक लंबा डंडा लेकर डंडे को तने के अंदर घुसेड़ दिया और डंडा से लगातार भोंकता रहा।
झोरे ने भेड़ से निकाला हुआ पेट को पेड़ से नीचे गिरा दिया और बाजून ने समझा कि उसका काम खत्म हो गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी का अग्निसंस्कार किया और उसके कुछ दिन बाद अपने मृतक पत्नी एवं भाई के स्मृति में अंतिम संस्कार का रस्म पूरा करने के लिए घर के फर्श को गाय के गोबर से पुताई करके बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाई। अब उसी दिन झोरे घर में वापस आकर छत के शहतीर पर चढ़कर बैठ गया और सब कुछ देखने लगा कि उसका भाई क्या कर रहा है। बाजून ने एक बड़े टोकरी में भात और जिन जानवरों की बलि दी थी उसका मांस पका कर रखा और उसने मृतक की आत्मा को यह आवाज दी कि तो मेरी पत्नी, यह भात, यह भोजन मैं तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए दे रहा हूँ। और कहते हुए उसने जमीन पर भात के कुछ दाने छींट दिए और उसने झोरे के लिए भी वैसे ही कहा कि झोरे मेरे भाई, यह भात, यह भोजन मैं तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए दे रहा हूँ। और तब झोरे ने छत पर से कहा, अच्छा तुम मुझे यह दे रहे हो तो मैं इसे ले लूंगा। बाजून को इस तरह के बातचीत और उत्तर की कोई उम्मीद न थी, तभी ऐसा सुन के वह हक्का बक्का हो गया और गांव वालों से यह पूछने चला गया कि जब बलि दी जाती है तो क्या आत्मा कोई जवाब देती है। और तब गांव वालों ने कहा कि आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना है। इस बीच जब बाजून यह जानने के लिए घर से बाहर गांव में गया हुआ था, तब झोरे ने भात की टोकरी उठाई और उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाने के बाद वह सड़क के किनारे बैठकर जितना खाना चाहता था उतना भात खा लिया और तब आवाज लगाई, क्या वहां कोई सड़क पर या जंगल में है जो कि भोज भात खाना चाहता हो। एक चोरों का दल अपने चोरी के अभियान पर जा रहा था। चोरों ने यह सुना और उसके पास यह देखने गए कि वह क्या कह रहा है। उसने कहा यदि वे उसको अपने दल में शामिल कर लें तो वह उनको भात खाने के लिए देगा। वे सभी मान गए और वह उनके साथ चोरी करने के लिए चला गया। एक धनवान आदमी के घर चोरों ने सेंध लगाई और चोरों ने जैसे ही बर्तन आदि को इकट्ठा करना शुरू किया। इस बीच अंधेरा होने के कारण झोरे गिर पड़ा, लेकिन गिरते गिरते एक नगाड़ा उसके हाथ में आ गया और वह जोर जोर से नगाड़ा को बजाने लगा। इस कारण घर के सभी लोग जाग गए और चोरों को भगा दिया। तब चोरों ने झोरे को गालियां देते हुए कहा कि हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते। बहुत अच्छा, झोरे ने कहा, तब मेरा खाया हुआ भात लौटा दो। सचमुच में चोर अब ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको झोरे को अपने साथ रखना पड़ा। तब वे सभी एक संपन्न जिसके पास घोड़ों से भरा एक अस्तबल था, चोरों ने योजना बनाई कि वे घोड़ा चुराकर उस पर बैठकर वहां से भाग जाएंगे। सभी चोर एक एक घोड़ा का चुनाव कर लिए, परंतु झोरे के हाथ में एक बाघ आ गया। एक बाघ घोड़ों में से एक का शिकार करने के लिए अस्तबल के पिछवाड़े में आ घुसा था और जब सभी चोर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए, झोरे भी बाघ पर सवार हो गया और तब घबराहट में बाघ जंगल की ओर भाग निकला। झोरे चिल्लाता रहा, सड़क पर चल तुम, लेकिन बाघ ने एक न सुनी और बाघ के द्वारा कई कांटेदार अवरोधों झाड़ियों में घसीटने के कारण उसकी। इस प्रकार झोरे की कहानी का अंत हो गया।